नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ा कैंटर है जिसका नंबर है 438T9325। बुरे तरीके से पलटा हुआ है, आधा डिवाइडर पर है और आधा नेशनल हाईवे पर। और आप देखिए कि इस तरफ जाम की स्थिति भी बनी हुई है इस हादसे के कारण। और क्रेन यहां पर पहुंच चुकी है जो इस कैंटर को सीधा करने में लगी और उसके बाद ही यहां से इसे हटाया जाएगा। कुछ तमाम लोग उधर भी आप देख सकते हैं, जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और रोड क्रॉस करने की भी हम कोशिश करेंगे ताकि हम उधर की तस्वीरें आपको दिखा पाए। और आप देख सकते हैं कि अंबाला की तरफ जाते हुए ये पूरा का पूरा कैंटर पलट जाता है। और इधर जो लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन। कहाँ से आप? बजीदस्तान। ये किसका है? ये कंपनी का। कहाँ से है कंपनी? ये बाबा रामदेव की। क्या लोड है? खाने का सामान है सारा, खाने का, पतंजलि की पतंजलि। हाँ, सारे। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? ये करनाल से अम्बाला। तो हादसा कैसे हुआ है? ये टायर फट गया मैडम, देखो टायर फट गया। तो ये इधर से इधर जा रहा था तो इधर ही पलट गया डिवाइडर। हाँ। कोई और हादसा भी हुआ? नहीं, कोई कुछ नहीं। कब की बात है ये? सुबह 7:15 की ऐसी। ड्राइवर वगैरह ठीक है? सब ठीक है। सामान वापस दूसरी गाड़ी में लोड किया जाएगा? दूसरी गाड़ी में लोड होगा। हो चुका है? नहीं, अभी सीधी आएगी, उसके बाद फिर करेंगे। सीधा होगा फिर करेंगे। और सुबह 7:30 के आसपास ये पूरा हादसा होता है, जिसमें करनाल से अंबाला ये जा रहा था। टायर आप देख सकते हैं फट जाता है, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हो जाता है। और बुरे तरीके से कैंटर पूरा का पूरा पलट चुका है। कैंटर पूरा बंद है और इसके अंदर है पतंजलि के खाने पीने के प्रोडक्ट्स। और अपने आप में एक दूसरा वाहन आएगा जिसके बाद ये सारा सामान, जब ये कैंटर सीधा हो जाएगा, लोड किया जाएगा। ऑयल है जो लगातार आप देख सकते हैं कि गिरे चला जा रहा है, ऑयल है जो लीक हो रहा है लगातार। और आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? क्रेन वाले हो? कौन हो? कंपनी से आए हो? हाँ जी। कहाँ से? पतंजलि से जी। करनाल से? हाँ जी। क्या क्या सामान है इसमें? कितना सामान है इसमें जी? लगभग 3 टन माल है जी। 3 टन और हाँ जी, खाने पीने का सामान है सारा जी। पतंजलि के प्रोडक्ट हैं सारे। तो ड्राइवर सेफ है? हाँ जी। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर ये है जी, ये जिन्होंने स्वेटशर्ट पहनी हुई है, ये मोबाइल है? हाँ जी, हाँ जी, यही है जी। तो जिनसे मैंने बात की वही थे ड्राइवर? हाँ जी, वही है। तो ड्राइवर वही थे। और ये देखिए, ये पलट सकता है एक बार, थोड़ा सा हम भी दूर चलते हैं। और ये देखिए, स्मृति इधर आ जाओ। और इसको सीधा किया जा रहा है, ये पलट सकता है। आप देख सकते हैं जो एक कैंटर ट्रक है जिसमें पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, उसे सीधा कर लिया गया है क्रेन की मदद से। ट्रक को सीधा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह 7:15 के करीब यह हादसा हुआ। ट्रक का टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद इसमें जो भी कंपनी के लोग थे वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसमें से सामान निकाल के अनलोड करके नए ट्रक में लोड किया जाए। देखिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जो ट्रैफिक की स्थिति नहीं बनने दे रहे, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का जाम ना लगे। आप देखिए ट्रक का नंबर है HR38T9325। आप देख सकते हैं जो ट्रक है आधा डिवाइडर पे है और आधा सड़क पे। आपको तस्वीरें और क्लियर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए ट्रक जो है आगे से शायद हाई स्पीड में था, जिस वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में सिर्फ ट्रक जो है वो पलटा, और कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, किसी चीज़ से वो टकराया नहीं और कुछ नहीं। आ जाओ, आप देख सकते हैं जो ट्रक का टायर फटा, जिसके कारण ये हादसा हुआ। वो टायर, ये वाला टायर है जो ट्रक का, ये टायर फंसा है। आप देख सकते हैं हाइड्रा क्रेन भी यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से ये ट्रक उठाया गया। ये टायर फटने की वजह से जो है, इस टायर को फटने की वजह से ये जो ट्रक है ये पलटा है। मेरी आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पे ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण जाम की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जाम ना लगे और लोग ईजिली यहाँ से जा सकें। नेशनल हाईवे पर ये एक्सीडेंट हुआ है। मेरी आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसे शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए IBN24। मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।